So they've named their occupied territory Free Kashmir. This is the freedom Pakistan has unleashed there. Take a look. These are the visuals coming out of POK, Pakistan Occupied Kashmir. A brutal police crackdown is underway. Reports. इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में एक जंग चल रही है. इस जंग में इमरान खान और पाक फौज. मगर क्या आपको मालूम है कि सारी चीज में जल्दी का तेल का काम जो है वो सोशल मीडिया ने किया. ठीक है महंगाई है और महंगाई बिजली के खिलाफ में आवाम में गुस्सा भी है, लेकिन जिस तरह हमारे शातिर दुश्मन ने पूरा आजाद कश्मीर सड़कों पर है और ये बड़ी आसानी से हल होने वाला मसला था, लेकिन बहुत कमजोर हो चुका है. ये कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं, कोई भीख देने को तैयार नहीं है. लेफ्टिनेंट जनरल तारक ने एक आर्टिकल में लिखा कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की जानिब धकेला जा रहा है. उस पर आप लोगों को दबा रहे हैं. यार आपको कोई शर्म या नहीं आती जो ये सब कर रहा है कि ये क्या इसमें डिमांड है? और आपने ताकत, आप हर जगह ताकत, बड़ी ताकत आ गई है आप में यार. अल्लाह ताला से डरे तो कौन सी ताकत है आपकी? भीख मांगते हैं हम लोग कभी IMF से कभी सऊदी अरब से, ताकत आ गई जी. बहुत आजाद कश्मीर के चैलेंज को जिस तरह से पंजाब के अंदर मारपीट करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की गई वो क्यों खतरनाक होगा? आप ज़रा ये देखें कि गुज़िश्ता 3 दिनों में हिंदुस्तान के वज़ीर दाखला इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जिसके बाद पूरे POJK में दफा 144 लगा दी गई है. बंकर जो हमारे टैंक तोपें शोपें जो हमने रखी हुई हैं आज़ाद कश्मीर में वो कोई इसका हल है? ये चीज़ें कभी हल नहीं होती. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. आज पाकिस्तान की हालत देख पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है. पूरे POK में नारे लग रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से आजादी चाहिए, या तो हमें एक नया देश बना दो या तो हमको भारत में मिला दो. आज POK की हालत पाकिस्तान ने इतनी बदतर कर दी है कि लोग अब सड़कों पर आ गए हैं. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जम्मू कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो गई है जिसे देख पूरा पाकिस्तान सदमे में है. आज पूरे POK में भारतीय फ्लैग लहरा रहे हैं. ये सीधे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इशारा है कि अब पाकिस्तान में हमको नहीं रहना, क्योंकि पाकिस्तान हमको बस लूट रहा है. ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जो POK में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है. अब POK के लोग ने मन बना लिया है कि अब हमें पाकिस्तान का पार्ट बनकर नहीं रहना है. आज से कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि POK भारत में अपने आप मिल जाएगा, हमें कोई मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आज उनकी बात सच होते दिख रही है. आज पाकिस्तान की आवाम अपनी ही आर्मी के खिलाफ खड़ी है. पूरा पाकिस्तान महंगाई से परेशान हो गया है. पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 20% से भी ज्यादा हो गया है. लोग टैक्स को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं. पाकिस्तान के भविष्य को लेकर लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही है और कर्ज बढ़ता चला जा रहा है. हो सकता है कुछ दिन में POK पाकिस्तान से अलग हो जाए और भारत का पार्ट बन जाए. आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं. आजाद कश्मीर के चैलेंज को जिस तरह से पंजाब के अंदर मारपीट करके चीजों को ठीक करने की कोशिश की गई वो क्यों खतरनाक होगा? आप जरा ये देखें कि गुज़िश्ता 3 दिनों में हिंदुस्तान के वज़ीर दाखला इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, जो ना सिर्फ हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के एक बहुत इंपॉर्टेंट आइकन भी हैं. जो लोग इंडिया के रिलेशनशिप को, जो हिंदुस्तान में मुझे अगर सुन रहे हैं को लोग, तो इससे वाकिफ़ होंगे कि अमित शाह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आइकन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर हेड एंड फिगर पावर पॉलिटिक्स में BJP के अंदर. तो अमित शाह ने गुज़िश्ता 3 दिनों में 2 दफ़ा आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जिसको वो POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं और वो स्टेटमेंट्स हिंदुस्तान के तमाम अखबार, ज़राए अबलाग, TV चैनल्स ने उनको कन्वे किया. और वो स्टेटमेंट क्या है? पहले झारखंड में अमित शाह ने ये कहा फ्राइडे के दिन, अभी पाकिस्तान में ये शुरू ही हो रहा था आज़ाद कश्मीर में, तो उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का एक एक इंच जो है वो हिंदुस्तानी फेडरेशन को, इंडिया को बिलोंग करता है. और उन्होंने याद करवाया कि हमने 26 सीटें रिजर्व जो हैं, जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल एक्ट एंड JNK रिजर्वेशन एक्ट जो है 2023 का, उसमें हमने 26 सीटें POK मैं इसलिए कहता हूँ ताकि समझ आ जाए वो क्या कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के लिए हमने रखी हैं और आज़ाद कश्मीर ने हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान की जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर की, उसका हिस्सा बनना है. इसके बाद तेलंगाना में, जो बेसिकली हैदराबाद स्टेट होती थी अब निज़ाम की, तेलंगाना स्टेट में एक जगह पे बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि NDA की हुकूमत अगर दोबारा आएगी तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को फतह कर लेंगे, यानी आज़ाद कश्मीर को हम फतह कर लेंगे. अब जाहिर है कि पॉलिटिशियंस इस किस्म की बहुत सी यबड़ियाँ शबड़ियाँ मारते रहते हैं और इसको आप यबड़ी भी समझ सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, अभी उनका कोई फर्म रेजोल्यूशन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा,
लेकिन जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन कमिटमेंट्स और कंपेन्स की थी, अभी ये उनकी इलेक्शन कमिटमेंट नहीं बनी, लेकिन ये जुमला उसके करीब करीब जाता है, वो उन्होंने पूरी की है बाद में। इसी तरह से उन्होंने 2019 के इलेक्शन स्ट्रेटजी में कमिट किया था, उस अरसे से उनकी कहानी चली आ रही थी, डिमांड था कि हम कश्मीर का जुदागाना तशख्स आर्टिकल 370 का जो पंडित नेहरू ने दिया था, हम इसे ख़त्म करेंगे। आपने देखा उन्होंने ख़त्म किया, उसकी पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने की और वो अब पूरे रास्ते पर उस हवाले से चल रहे। तो जब वो आज़ाद कश्मीर के बारे में, ये गिलगित बल्तिस्तान के बारे में बात करते हैं और इंक्रीजिंगली उनकी रेजोनेंस जो है इस हवाले से बढ़ती चली जाती है, तो पाकिस्तान की जो बेस्ट उसको सोचने की ज़रूरत है। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम, और ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बंकर्स और हमारे टैंक तोपें शोपें जो हमने रखी हुई हैं आज़ाद कश्मीर में, वो कोई इसका हल है। ये चीज़ें कभी हल नहीं होती। देखिए, पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 76 साल से जुल्म का एक बाजार गर्म था, लेकिन हम लोग सहते रहे, हमारे लोग सहते रहे। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये दिखा के पिछले 76 साल से इन्होंने हमारे जंगलात लूटे, हमारा पानी लूटा, हमारे जो मिनरल रिसोर्सेस थे वो लूटते रहे, कोई डेवलपमेंट नहीं की, कोई सड़कें नहीं बनाई, जो महाराजा हरि सिंह के जमाने की सड़कें थी वो भी टूट फूट गई, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं। लिहाजा वो कौम जो एक इंतहाई तालीम याफ्ता कौम थी, जम्मू कश्मीर के लोग इंतहाई तालीम याफ्ता थे, मतलब है मीरपुर शहर में आपको बीए से कम शख्स नहीं मिलता था उस जमाने में, वो आज सहराओं की खाक छान रहे हैं, रेत फांक रहे हैं, सूरज की तपती सहरा की गर्मी में वो लोग, जो मौसम हमारा वो मौसम ही नहीं है, उस मौसम में जाके वो मजदूरियां कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और उसके लिए क्या कीमत एक और अदा कर रहे हैं, ग्रीन पासपोर्ट। हमारा पानी देखें आप, हमारे पानी से बिजली पैदा होती है, हमारे पानी, और हमारा जो हिस्सा बनता है पंजाब में सिर्फ पानी का, मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, वाटर रेवेन्यू की, पानी देने से जो गंदम पैदा होती है, एक बीघे जमीन से 5 मन गंदम पैदा होती है। इस तरह से हमारा जो हिस्सा बनता है वो तकरीबन 13 करोड़ मन बनता है हमारा हिस्सा गंदम का, जो पंजाब हमें नहीं देता। और हमारे पानियों से पैदा होने वाली जो सारी बिजली है, मंगला डैम की, नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और बेशुमार जो हमारे छोटे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जहां से कलेक्टिवली 5000 जो है वो मेगावाट बिजली पैदा होती है, वो जो बिजली है वो सारी पाकिस्तान ले जाता है अपने नेशनल ग्रिड में 2.90 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और फिर वही बिजली हमें 60 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बेच रहे, और हम पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगाए। मुझे ये बताएं कि हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है, फ्यूल तो इस्तेमाल ही नहीं होता, डीजल पेट्रोल ये चीजें तो इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस कहां से लग गए? वो पंजाब का जो खर्चा है वो भी हमसे ले रहे हैं। तो 9 महीने से एक सिविल नाफरमानी की तहरीक चल रही थी, बिजली के बिलों के बायकॉट की तहरीक चल रही थी, 3 दफा हमने पुरअमन तरीके से जनरल स्ट्राइक की, कई दफा कई शहरों में शटर डाउन किए, कई शहरों में हमने धरने दिए, ये सारा कुछ हम करते रहे, लेकिन इन्होंने हमारे मुतालबात नहीं माने। अब हाल ही में IMF ने भी चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान अपना कर्ज वापस नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। इसी को देख सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के विजिट को कैंसिल कर दिया। IMF ने ऐसी चेतावनी श्रीलंका को भी नहीं दिया था, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। एक तरफ पाकिस्तान में आए दिन बम फूटते रहते हैं, दूसरी तरफ पूरी आवाम अपनी फौज के खिलाफ खड़ी है। कुछ सालों में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे अगर पाकिस्तान को कोई चीन या अमेरिका से रिलीफ नहीं मिलता है। आपको इसके बारे में क्या कहना है आप नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।